बात करते हैं रामगढ़ की, जहां जिला समाहरणालय से एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और इसके बाद पूरे परिसर को सैनिटाइज किया गया। साथ ही कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए सभी लोगों की कोरोना जांच करवाई जा रही है। समाहरणालय परिसर को अगले 3 दिनों के लिए आम लोगों के लिए बंद रखा गया है। संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता हुआ और समाहरणालय परिसर बंद कर दिया गया है अगले 3 दिनों के लिए। रामगढ़ जिला समाहरणालय का कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद समाहरणालय 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। किसी के भी आने पर अब पाबंदी, और साथ ही जो कर्मचारी पॉजिटिव पाया गया है उसके संपर्क में आए लोगों की अब कोरोना जांच करवाई जा रही है। इधर पूरे परिसर को सैनिटाइज किया गया है और जो भी लोग संपर्क में आए हैं उस कर्मचारी के जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है उनकी कोरोना जांच कराई जा रही है। रामगढ़ जिला समाहरणालय का कर्मचारी पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद पूरे परिसर को सैनिटाइज किया गया है। लगातार बढ़ता हुआ संक्रमण का, कोरोना संक्रमित एक मरीज, अब समाहरणालय का कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और अब समाहरणालय को अगले 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। किसी के भी आने पर पाबंदी है। जितने लोग आए हैं उनकी कोरोना जांच कराई जा रही है और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए सहयोगी महावीर, उनसे जान लेते हैं। देखिए महावीर, अब समाहरणालय का कर्मचारी भी पॉजिटिव निकल गया है, कोरोना पॉजिटिव, वहां पर काफी एहतियात बरते जा रहे हैं। जी, डीसी संदीप सिंह ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि समाहरणालय का एक कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव निकल गया है, जिसके कारण 3 दिनों तक वहाँ पे आम आदमियों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। केवल जो वहाँ के जरूरी काम को निपटाने के लिए जो कर्मचारी नियुक्त है वही वहाँ आ जा सकते हैं। इसके अलावा समाहरणालय में ही रजिस्ट्री ऑफिस भी है, रजिस्ट्री ऑफिस को भी 19 तारीख तक के लिए बंद कर दिया गया। इसके अलावा अपर समाहर्ता का जो कार्यालय है उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। अगर देखा जाए तो समाहरणालय के अंदर में जो जो भी कार्यालय है वहां पर आम आदमियों के लिए पाबंदी लगा दी गई है, रजिस्ट्री ऑफिस को बंद कर दिया गया है और पूरे समाहरणालय में को सैनिटाइज किया जा रहा है। और ये लोगों से अपील की जा रही है बिना काम के समाहरणालय ना आए और जो भी है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क जरूर लगाए, लेकिन यहाँ पे लोग हैं कि मानने के लिए तैयार नहीं है। और बतला दूं कि इसी कारण से आज शहर के बाजार टांड से लेकर थाना चौक तक और झंडा चौक तक कल से सभी दुकानों को बंद कर देने का आदेश एसडीओ ने निकाल दिया है। जितने भी दुकानें हैं सब बंद रहेंगे। चलिए शुक्रिया आपका महावीर तमाम जानकारी के लिए। तो डीसी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि समाहरणालय का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद वहां पर तमाम एहतियात किए जा रहे हैं, पूरे परिसर को सैनिटाइज कराया जा रहा है। साथ ही साथ लोगों से ये अपील की गई है कि अगर जरूरत ना हो बेहद ज्यादा तो वो समाहरणालय ना आए।